हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा। वेलकम टू विक्ट्री एजुकेशन। तो हमने कल तक कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? नाउन तक। हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच था, 8 पार्ट ऑफ स्पीच हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कवर कर लिया था? नाउन। सेकंड हम देखते हैं प्रोनाउन। सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा है हमारा? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है? अगर किसी भी सेंटेंस में क्या होता है, अगर कोई नेम है, नेम, प्लेस, थिंग्स, तो उनकी जगह पर उनको उनका बार बार रिपीटेशन रोकने के लिए अगर हम किसी वर्ड का यूज़ करते हैं तो वो क्या होगा? हमारा प्रोनाउन। जैसे मैंने लिखा प्रियंका, तो प्रियंका पूरे पैराग्राफ में प्रियंका बार बार ना लिख के हम क्या लिख सकते हैं प्रियंका के लिए? शी। तो देखो, अ वर्ड रिप्लेसेस अ नाउन टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन। क्या बोला है? वर्ड रिप्लेसेस अ नाउन, किसको रिप्लेस करेगा? नाउन को, टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन। नाउन का रिपीटेशन को बार बार रोकने के लिए जिन भी शब्दों का हम प्रयोग करेंगे वो क्या होगा? हमारे प्रोनाउन। प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? जैसे आई, वी, यू, दे, हिम, हर, अवर सेल्फ, देम सेल्व्स, ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउन। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है एग्जाम्पल? राधिका वेंट टू स्कूल। क्या लिखा है? राधिका वेंट टू स्कूल, शी अटेंडेड ऑल द क्लासेस। अब ये शी किसके लिए आया है यहाँ पर? राधिका के लिए। अगर मैं सेंटेंस को कैसे लिखती? राधिका वेंट टू स्कूल, देन अगेन राधिका अटेंडेड ऑल द क्लासेस, एंड राधिका सम, जो भी आगे हम लिखते, तो वहाँ पर बार बार राधिका ना लिखकर हम क्या लिख सकते हैं राधिका के प्लेस पर? शी। तो यही शी क्या करेगा? हमारा जो राधिका है इसके रिपीटेशन को क्या करेगा? रोकने का काम। तो ये शी क्या हो जाएगा? हमारा प्रोनाउन। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। श्याम इज माय फ्रेंड। श्याम कौन है? मेरा फ्रेंड। He is an honest person. अब शाम के लिए क्या यूज हुआ है? He. क्या यूज हुआ है? He. तो he क्या हुआ? हमारा प्रोनाउन। क्लियर है इतना? प्रोनाउन ज़्यादा टफ नहीं होता है, इजिली सब पहचान लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं और क्या है। देखो, नाउन को पॉइंट, प्रोनाउन को पॉइंट आउट करने के लिए कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। इट इज आई Who am to blame for this accident? तो इस पूरे सेंटेंस में आपको क्या प्रोनाउन नजर आ रहा है? I. I क्या है? प्रोनाउन। जैसे I, we, you, they, ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउन। Between him and her, तो him क्या होगा? प्रोनाउन, and her also प्रोनाउन। I discussed, I भी क्या है? प्रोनाउन। अगर यहाँ पर किसी का नेम होता तो वो क्या होता? नाउन। बट I लिखा है तो क्या है ये? प्रोनाउन। प्रोनाउन आई डिस्कस द इशू विद बीन। अब देखो, फिर से हमें क्या मिला? हिम एंड हर। तो ये दोनों भी क्या होंगे? प्रोनाउन। क्या होंगे दोनों? प्रोनाउन। द चिल्ड्रन इन द क्लास आर वेरी नॉटी। इस सेंटेंस में कोई भी प्रोनाउन नजर नहीं आ रहा है, तो ऐसा भी कोई सेंटेंस हो सकता है जिसमें प्रोनाउन ना हो, क्योंकि प्रोनाउन की जगह पर हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर? नाउन। तो सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि आपको प्रोनाउन मिले। क्लियर है? अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच क्या है जो हम देखने वाले हैं? नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। अब बताइए, वर्ब क्या होता है? जो भी सेंटेंस में, जैसे क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, हम क्या बोल सकते हैं उसको? सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट होता है वो जो भी एक्शन परफॉर्म करता है वही क्या होती है? नाउन। देखो, डेफिनेशन देखना। टेल, verbs tells us about the subject. सब्जेक्ट के बारे में जो भी हमको बताया जाएगा, सब्जेक्ट जो भी एक्शन करेगा, जो भी फील करेगा, वो सब क्या होगा? वो सब क्या होगा? वर्ब। तो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन। नाउन भी हो सकता है किसी का नेम, या उसके प्लेस पर ही, शी, इट, कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। और क्या है वर्ब के बारे में? चेंज अकॉर्डिंग टू द टेंस। टेंस हम देखने वाले हैं आगे, बट अभी सिर्फ आप इतना देख लो कि वर्ब जो होती है वो टेंस के अकॉर्डिंग ही चेंज होती है। टेंस, जैसे हमारे चार तरह के टेंस होते हैं, इंडेफिनेट एंड कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो इन चारों के अकॉर्डिंग ही हमारी क्या होगी? वर्ब चेंज होगी। अब वर्ब कितने तरह की होती है?
कोई भी सेंटेंस हो तो वर्ब कितने तरह की हो सकती है? तीन तरह की। फर्स्ट होती है एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब क्या होती है? जिसमें सब्जेक्ट या फिर नाउन प्रोनाउन क्या होगा, कोई भी एक्शन परफॉर्म करेगा, तो वो क्या होगी? एक्शन वर्ब। कैसे होगा? देखो, आई गो टू स्कूल, तो इसमें गो क्या है? एक्शन वर्ब, क्योंकि कोई काम हो रहा है जाने का या आने का। तो अगर कुछ भी काम होता है तो वो कौन सी वर्ब होती है? एक्शन। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? एक्शन इज हैपनिंग। सो गो कौन सी वर्ब है? एक्शन वर्ब। आई रीच्ड ऑन टाइम। अब रीच्ड भी क्या है? रीच यानी पहुँचना। पहुँचने के लिए कहीं से कहीं पर पहुँचा है, तो वो आई क्या है? चल कर गया है, तो उसने क्या किया है? कोई एक्शन परफॉर्म किया है। तो ये कौन सी वर्ब होगी? रीच्ड, एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब फर्स्ट होती है एक्शन वर्ब। सेकंड देखो, सेकंड कौन सी होती है? स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब क्या होती है? स्टेटिव वर्ब में कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करती हूँ, आई लाइक आइसक्रीम। अब लाइक क्या है यहाँ पर? लाइक, जैसे आई क्या कर रहा है? आइसक्रीम को लाइक कर रहा है, तो यहाँ से कोई एक्शन नहीं कर रहा, वो जान लाइक बैठे बैठे भी वो लाइक कर सकता है किसी भी चीज़ को। तो लाइक क्या हुई यहाँ पर? स्टेटिव वर्ब। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें, आई नो हर, शी इज वेरी प्रिटी। तो यहाँ पर नो क्या है? आई नो हर। नो यानी जानना, तो वह उसको जानता है, तो जानने का काम कर रहा है, तो कोई एक्शन तो उसे करना नहीं है। तो ये कौन सी वर्ब होगी? स्टेटिव वर्ब। क्लियर है? और ये इज है, ये भी क्या होगी? इसको हम हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं, ठीक है। थर्ड होती है, थर्ड क्या होती है? पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार। इट मीन्स किसी चीज पर किसी का कोई अधिकार होना। वो भी किस तरह का काम करेगा? वर्ब का। जैसे मेघा हैज अ कार, तो हैज यहाँ पर क्या होगी? स्टेटिव वर्ब। कौन सी वर्ब होगी? स्टेटिव वर्ब। क्लियर है इतना? वर्ब में सिर्फ इतना ही, आगे हम वर्ब को पूरा डीपली में पढ़ने वाले हैं। हमारा जब पार्ट ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगा तब हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? वर्ब। वर्ब को हम पूरा डीप में देखने वाले हैं कि वर्ब क्या होती है, कितने तरह की होती है, कैसे सेंटेंस में कहाँ कहाँ पर यूज होती है। तो हम एक दो और वीडियो के बाद कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं? वर्ब। अभी सिर्फ इतना ही, आगे देखते हैं हमारा पार्ट ऑफ स्पीच जो कि है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या होता है? सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो भी शब्द हमको बताएंगे, या फिर जैसे नाउन या प्रोनाउन की कोई भी विशेषता बताई गई है, वो शब्द क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव। देखो, अ वर्ड विच क्वालिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले वर्ड्स को ही क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। अब कैसे क्वालिफाई करेंगे? कुछ एग्जाम्पल देखो एडजेक्टिव के। जैसे नाउन क्या हो सकता है? कोई स्मॉल हो सकता है, बिग हो सकता है, किसी के कलर के बारे में, काउंटिंग के बारे में, किसी के स्मार्टनेस के, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको बताया है तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव। एग्जाम्पल देखते हैं, माया हैज अ बिग हर्ट। अब हर्ट क्या है यहाँ पर? नाउन। ऑब्जेक्ट भी आप इसको बोल सकते हो, तो उसके नाउन के बारे में क्या बताया है? हर्ट कैसा है? बिग। तो बिग क्या होगा यहाँ पर? एडजेक्टिव। ही इज वियरिंग अ रेड शर्ट। शर्ट क्या है? अगेन नाउन या फिर ऑब्जेक्ट। शर्ट के बारे में क्या बताया है? कैसी है शर्ट? रेड कलर की। तो ये क्या हुआ? रेड भी यहाँ पर एडजेक्टिव। सीता इज ब्यूटीफुल, यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में ही बताया है, तो ये हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है एंड एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो यहाँ से आपने क्या देखा? अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है तो वो आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है। क्लियर है? कुछ एग्जांपल और देखते हैं एडजेक्टिव के। जैनी इज वियरिंग अ स्लीवलेस टॉप टुडे। टॉप क्या है? नाउन। नाउन के बारे में क्या बोला है? टॉप कैसी है? स्लीवलेस। तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव। हैट, हैट क्या है यहाँ पर? नाउन। नाउन के बारे में क्या बताया है? हैट कैसी है? ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या होगा? एडजेक्टिव। इसमें देखते हैं, माय केक शुड हैव 16 कैंडल्स। कैंडल्स क्या है? नाउन। नाउन के बारे में बोला है कितनी होनी चाहिए? 16। तो नंबर भी आपको क्या बताता है?
इस किसी नाउन की विशेषता, तो नंबर भी क्या हो सकता है, एडजेक्टिव। फ्लावर्स, फ्लावर्स क्या है इधर, नाउन, नाउन। फ्लावर्स के बारे में क्या बोला है, वाइट। एक तो कैसे हैं वो, वाइट है, और कितने हैं, फाइव, तो फाइव भी क्या होगा, एडजेक्टिव, एंड वाइट भी क्या होगा, एडजेक्टिव। आई एम लुकिंग फॉर अ स्मॉल गुड टेम्पर्ड कैट टू कीप एज अ पेट। देखो कैट क्या है यहाँ पर, नाउन, नाउन के बारे में क्या बोला है, कैट कैसी होगी, गुड टेम्पर्ड एंड स्मॉल, तो ये पूरे क्या होंगे, एडजेक्टिव। क्लियर है, एडजेक्टिव समझ में आया, इतना टफ नहीं है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए पार्ट ऑफ स्पीच देखने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।